गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। ठीक है, द चैप्टर हेडिंग इज द एंटी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। अब ये प्रोटोजोआ क्या है? तो पर्टिकुलर हमने वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको पता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो बैक्टीरियम देखा, वैसे ही ये प्रोटोजोआ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। आप सभी को पता है कि इंडिया ये एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का जो कंडीशन है, जो सैनिटरी है, वो बराबर से डेवलप नहीं हुई है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें प्रोबेबली ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन रहता है। तो ये जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है वो है मलेरियल इन्फेक्शन, जो सभी को पता है कि बराबर से सैनिटाइजेशन नहीं किया है या बराबर क्लीनिंगनेस नहीं रहे तो वहाँ पे मॉस्किटो पनपते हैं। और ये मॉस्किटो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं सबके घरों में और पर्टिकुलर एक दूसरे को बाइट करके या पर्टिकुलर ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेमिनेशन करते हैं, उसकी वजह से मलेरिया ट्रांसफर होता है। तो पर्टिकुलर सभी टाइप्स के जो मॉस्किटो उसकी वजह से मलेरिया हो रहा है ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर जो फीमेल एनोफिलस नाम का जो मॉस्किटो है, अगर वो अगर बाइट करता है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो मलेरियल इन्फेक्शन में आता है। और ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है। ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रोटोजोआ जो हमने देखे हैं, जैसे मलेरिया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है। देन अमीबियासिस, अमीबियासिस मतलब आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में हमको हमेशा डायरिया, डिसेंट्री या जीआरएस से रिलेटेड वोमिटिंग, नौशिया, ये साइनस सिम्टम्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि रेनी सीजन का पानी आता है नदी नाले कुएं में और वो पानी हमारे घर में आता है। अगर हमने उसको प्रॉपरली प्योरीफाइड नहीं किया और वही वाटर अगर हम पी रहे हैं तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो आता है अमीबियासिस, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग ये सभी सिम्टम्स है। नेक्स्ट इन्फेक्शन इज द जीआरडीएस। अभी जीआरडीएस मतलब जीआरडिया लैमेला नाम का एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ है जो जीआरडीएसिस ये डिसीज कॉज करता है। और उसमें भी जो सिम्टम्स है वो डायरिया एंड वोमिटिंग है, स्पेशली स्टूल विद द ब्लड, जो भी स्टूल आपका निकलता है उसमें भी द ब्लड, ये साइनल सिम्टम्स जीआरडीएसिस में आते हैं। नेक्स्ट इज द ट्राइकोसोमियासिस। ट्राइकोसोमियासिस ये अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जिसमें स्लीपिंग सिकनेस आता है, मतलब हमको नींद जैसे लगता है, थ्री ट्यूब या जैसे स्लीपरी लगता है, तो वो है ट्राइकोसोमियासिस। नेक्स्ट इज द लेशमियासिस। लेशमियासिस ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जिसको काला आजार बोला जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन है जिसके ऊपर स्किन के ऊपर पैचेस होते हैं। तो ये सभी टाइप्स के जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जिसको ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करेंगे वो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। तो सिंपल डेफिनेशन है, दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। एज पर यूर सिलेबस हमको दो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें मलेरिया इन्फेक्शन आता है और सेकंड आता है अमीबियासिस। तो हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एंटी मलेरियल ड्रग, तो दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग, और अमीबिया मतलब अमीबियासिस का एंटी अमीबियल ड्रग रहेगा, अमीबियासिस इन्फेक्शन के लिए एंटी अमीबियल ड्रग। तो दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस इज कॉल्ड एज एंटी अमीबियल ड्रग। तो ये हम दो टॉपिक हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। टुडे हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 7 to 8 marks की क्वेश्चनिंग आती है एमएसबीटी एग्जाम में। तो आज हम उसमें से दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग, दूसरा क्वेश्चन गिव द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया, तीसरा क्वेश्चन गिव द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट वाला जो क्वेश्चन है वो कभी कभी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के साथ अटैच में ही 3 marks के लिए आता है, डिफाइन मलेरिया, गिव इट्स पॉजिटिव एजेंट एंड क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल, ऐसे एक ही क्वेश्चन आता है, या कभी कभी 1 mark के लिए या 2 marks के लिए डिफरेंटली पॉजिटिव एजेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमको प्लाज्मोडियम साइकिल के बारे में पढ़ना है कि हाउ द मलेरिया विल बी स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ये हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, बहुत ईजी है डेफिनेशन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी टेररिज्म ब्यूरो, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है टेररिज्म को, करप्शन क्या करता है, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता है, प्रिवेंट करता है करप्शन को, सेम एज इट इज। एंटी मलेरिया क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा या ट्रीट करेगा, प्रिवेंट द मलेरिया इन्फेक्शन, बहुत इजी डेफिनेशन है। दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, फिर लिखना है कॉज वाय, किससे कॉज हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है वो मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम में भी 4 types के प्रोटोजोआ है, 4 types के प्रोटोजोआ है, इसलिए हम उसको यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज कहते हैं। प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज कॉल्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। उसमें एग्जांपल हम करें क्लोरोक्विन एंड पाइरोनिटामिन, ये मोस्ट प्रॉमिसिंग और पोटेंट ड्रग है जो मलेरिया इन्फेक्शन में यूज होते हैं। तो क्या बोला हमने,
ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पेशली प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ये आपको नाम बताना चाहिए प्लाज्मोडियम स्पीसीज, इट्स कॉल्ड एज द एंटी मलेरिया। फिर ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कितने पॉजिटिव एजेंट है, देयर आर द फोर पॉजिटिव एजेंट। तो यहाँ पे मेरे नाम लिखे हैं कि पॉजिटिव एजेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ये प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इसका 10% इन्फेक्शन होता है मलेरिया में, ठीक है। ये पर्टिकुलरली अमेरिकन कंट्रीज में आता है, सिर्फ इंडिया में इसका जो अफेक्टेड एरिया है वो है ओनली 10%। प्लाज्मोडियम नोवे ये नियर अबाउट 8% इन्फेक्शन कॉज करता है इन इंडिया में। देन प्लाज्मोडियम हाइवैक्स ये 5% इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड प्लाज्मोडियम मलेरी ये 30% इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मैक्सिमम जो इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया के, तो वो है प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से। तो इंडिया में मैक्सिमम इन्फेक्शन किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी से। ये चारों नाम बंद कर रहे हैं, क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वायरस एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये चार पॉजिटिव एजेंट है जो मलेरिया इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि मलेरिया इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, तो उसको बोला है प्लाज्मोडियम सेकेंड। इसके दो फेज है, फर्स्ट इज द इरिथ्रोसाइटिक स्टेज एंड दूसरी इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। दो स्टेज क्या होता है, पहले क्या करता है, हमको एक मॉस्किटो बाइट करता है। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग है, हमको हमने क्या किया, हमको क्या हुआ, एक मॉस्किटो ने बाइट किया। लेकिन बहुत सारे मॉस्किटो बाइट करते हैं, रोज ही हमको मॉस्किटो बाइट करते हैं, तो सभी के सभी इन्फेक्टेड रहेंगे क्या, नहीं। उसमें से वन ऑफ द मॉस्किटो इट विल बी इन्फेक्टेड बाय द मलेरिया, और जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ठीक है। इसलिए लिखा है इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, दैट इज द फीमेल एनोफिलस, और वो क्या करता है, रिलीज करता है हमारी बॉडी में स्पोरोजॉइट्स। याद रखना कि स्पोरोजॉइट्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। फिर ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। प्राइमरी आज ही बाइट किया है, तो आज ही हमको बुखार या टेम्परेचर या सर्दी खांसी होंगी क्या, नहीं। हमारी बॉडी में भी क्या है, एंटीबॉडीज है, वो क्या करती है, उसको फाइट करती है। तो ये जो मॉस्किटो ने बाइट किया है, तो ये स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस मैंने वही निकाली है कि इट विल बी ट्रैवल फॉर 1, 2 और 3 डेज एंड इट विल बी मल्टीप्लाई। सिंपल ट्रैवल ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग के साथ खुद को मल्टीप्लाई भी करना स्टार्ट करते हैं। तो स्पोरोजॉइट विल बी मल्टीप्लाइड इनटू द सीजॉन्ट्स, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, सीजॉन्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। देन ये सीजॉन्ट्स क्या करते हैं, ये सीजॉन्ट्स अगेन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं और लीवर में जाते हैं, और ये लीवर में क्या होता है, खुद को मैच्योरेट करते हैं, और इट विल बी मैच्योरेट टू फॉर्म अ मीरोजॉइट, और खुद को मीरोजॉइट्स में वो कन्वर्ट करते हैं। देन ये मीरोजॉइट्स क्या करते हैं, हमारे जो एंटीजन की जो ब्लड सेल्स है उसको रप्चर करते हैं, ब्लड सेल को, मास सेल को वो रप्चर करते हैं, और उसकी वजह से फिर हमको कौन सा इफेक्ट आता है, चिलिंग एंड फीवर इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कि मलेरिया जब भी होता है तब हाई टेम्परेचर रहता है और ठंड जैसे लगती है, चिलिंग इफेक्ट आता है, तो उससे डॉक्टर इजिली रिकॉग्नाइज करता है कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है। टाइफाइड में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है शाम के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल टोटली डिक्रीज। तो ये सब प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से टाइप्स का इन्फेक्शन हुआ। तो सेम एज जो मीरोजॉइट्स है, ये जब मास सेल ये हमारी एंटीबॉडीज है उसको जब रप्चर करते हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस अ ब्लड सीजॉन्ट हो रहा है, मतलब वो ब्लड सेल को रप्चर करके सीजॉन्ट्स में मास सेल को भी रप्चर करता है, तो फिर चिलिंग एंड फीवर इफेक्ट आता है। कब, जब ये सीजॉन्ट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द मीरोजॉइट्स। देन ये तो होता ही है, साथ में वो गमेटोसाइट्स फॉर्म करता है। कौन से गमेट्स फॉर्म करता है, मेल गमेटोसाइट्स एंड फीमेल गमेटोसाइट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब ये मेरी बॉडी है, इसमें मुझे मॉस्किटो ने बाइट किया, इट विल बी स्प्रेडिंग द स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट कन्वर्टेड इनटू द सीजॉन्ट, इन द लीवर सीजॉन्ट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द मीरोजॉइट, एंड देन वी हैव अ सम ऑफ द टेम्परेचर एंड चिलिंग इफेक्ट। फिर मेरे ब्लड स्ट्रीम में मीरोजॉइट्स तो रहेंगे, साथ में वो गमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, एक नॉर्मल मॉस्किटो मुझे बाइट करेगा, ठीक है, नॉर्मल मॉस्किटो, अभी इन्फेक्टेड नहीं बोले, नॉर्मल मॉस्किटो मुझे बाइट करेगा, क्या करेगा, मेरे ब्लड स्ट्रीम से वो गमेटोसाइट्स लेगा, ठीक है, दोनों गमेटोसाइट्स लेगा, मेल एंड फीमेल गमेटोसाइट्स उसके ब्लड में आ जाएंगे। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और ये जायगोट कहाँ बनेगा, मॉस्किटो की ही बॉडी में बनेगा जायगोट, ह्यूमन बॉडी में नहीं। मॉस्किटो की बॉडी में जायगोट बनेगा, स्पेशली अगेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ही लेना चाहिए वो, तो वो आगे जायगोट बनेगा, एंड दिस जायगोट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोजॉइट्स, अगेन वो जायगोट जो बन गया है वो स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट होगा, देन अगेन वो मॉस्किटो ट्रैवल करके एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, एंड देयर विल बी अ प्रोसीजर विल बी अ रिपीट। तो ये अब दो फेज हो रही है, पहली फेज क्या हो
मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेरोसाइट एंड गिव अ चिलिंग इफेक्ट एंड फीवर। देन ये जो गमेट्स क्या करेंगे, गमेट्स जब एक नॉर्मल मॉस्किटो इंजेक्ट करता है तो जायगोट फॉर्मेशन वाला जो प्रोसीजर है वो किसको बोला है, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज किसके बॉडी में हो रही है, मॉस्किटो के बॉडी में हो रही है। तो इस तरीके से रिपीट एंड रिपीट ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ओके, तो ये हुआ प्लाज्मोडियम साइकिल। इसके ऊपर दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट दिया एक्सप्लेन द प्लाज्मोडियम साइकिल। तो आपने इतना ही ड्रॉ किया तो भी सफिशियंट है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी जो बताया डिफाइन एंड क्लासिफाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एमएसबीटी एग्जाम में काफी बार आता है। फर्स्ट क्लास इज द क्यूरोरिन डेरिवेटिव। सबसे पहले जो अल्कोलोइडल एक्सट्रैक्ट डिराइव हुआ था मेडिसिन के तौर पे, तो सबसे पहले क्यूरोरिन डेरिवेटिव डिराइव हुआ था जो अल्कोलोइडल एक्सट्रैक्ट में पेशेंट को दिया जाता था। तो उसमें फर्स्ट अल्कोलोइड इज द क्यूरिन। फिर क्यूरिन को ही लेके अलग अलग मेडिसिन बनाए गए या उसमें स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, तो 4-अमाइनो क्यूरोनिन नाम का ड्रग बनाया। तो 4-अमाइनो क्यूरोनिन आपने पढ़ा है सिंगल स्ट्रक्चर में, 2-6 मेंबर रिंग के साथ क्यूरोनिन बनता है जिसके फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन है। इसी से रिलेटेड हमको आगे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो 4-अमाइनो क्यूरोनिन मतलब अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूँ तो ये 4 पे रहेगा अमाइनो। तो इस डेरिवेटिव के लिए क्लोरोक्विन एंड अमीडोक्विन ये दो ड्रग हम पढ़ने वाले। नेक्स्ट इज द 8-अमाइनो क्यूरोनिन। इन्होंने क्या किया, 4 का अमाइनो हटा दिया और 8 पे अटैच किया, 5-6-7-8 पे अटैच किया, तो ड्रग बना प्रिमाक्विन एंड पामाक्विन। ये दो डेरिवेटिव बनाए जो भी पोटेंट एंटी मलेरिया एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्रिडिन। एक्रिडिन में 9-अमाइनो एक्रिडिन में मिपाग्रिन नाम का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द बाइवैलेंट। बाइवैलेंट में प्रोवालिन है, ये भी ड्रग इंपॉर्टेंट है, पोटेंट ड्रग। देन पाइरिमिडिन, उन्होंने तो उन्होंने सर्च किया है लेकिन नेक्स्ट उन्होंने पाइरिमिडिन डेरिवेटिव दिया। पाइरिमिडिन क्या है, 6 मेंबर रिंग हैविंग अ 1-3 नाइट्रोजन। पाइरिमिडिन डेरिवेटिव लिया, उसमें उन्होंने पाइरिमिथामिन एंड ट्राइमिथामिन ये ड्रग लिया। नेक्स्ट इज मिसलिनियस में सल्फोनामाइड में प्रोंटोसिल एंड सल्फोन में डैप्सिल। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा हमने, पहले आप आउटर क्लासेस लर्न करो। क्यूरोनिन के 3 क्लासेस है, अल्कोलॉइड, 4-अमाइनो क्यूरोनिन एंड 8-अमाइनो। नेक्स्ट इज एक्रिडिन, इसमें 9-अमाइनो एक्रिडिन ये क्लास है। नेक्स्ट इज बाइवैलेंट, पाइरिमिडिन डेरिवेटिव एंड लास्ट इज मिसलिनियस जिसमें सल्फोनामाइड एंड सल्फोन। एंड फिर सबका एक एक एग्जांपल आपको लर्न करना है। ये 3 मार्क्स के लिए इसका क्लासिफिकेशन है। ओके, तो आज हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, देन पॉजिटिव एजेंट्स पढ़े, नेक्स्ट इज द प्लाज्मोडियम साइकिल एंड लास्ट इज द